हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल हबी। और आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम लेने वाले हैं $1000 की ट्रेड। एटलीस्ट $1000 की ट्रेड हम लेंगे, वो भी लाइव अकाउंट से। देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है। लाइव अकाउंट में अभी आप बैलेंस देख पा रहे हैं $5,464, ठीक है। और यहाँ से ही हम आज ट्रेड लेंगे इसी अकाउंट से। और उससे पहले यार बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की। तो दोस्तों यार, ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, ये ओन रिस्क पे ले रहा हूँ, इट्स माय रिस्क। आपको कभी भी मैं ना तो इनकरेज करता हूँ, ना ही कभी बोलता हूँ कि अपने अकाउंट से इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स आप लो। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके अकाउंट से आपको जो ट्रेड लेनी है वो स्मॉल अमाउंट के लिया करो, ताकि आप मल्टीपल स्टेप्स को हमेशा फॉलो कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जाते हैं करेंसी पार्ट में, तो NZD CAD हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जाते हैं नीचे जाके, हम जो इंडिकेटर है उस पर जाते हैं। तो इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाके हमने SMA अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हुआ नहीं, एक सेकेंड, SMA जो है वो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। SMA जो है वो अप्लाई हो गया है, बट अगर मैं इसको MACD के साथ ही जाएंगे, इस वाले में भी हम MACD के साथ ही जाएंगे। तो MACD का इंडिकेटर आप देख पा रहे होंगे, अप्लाई मैंने कर दिया है। ये जो स्क्रीन है ना, मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, और मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन से, यानी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ट्रेड लेना ओलिम ट्रेड के इंटरफेस के साथ, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं इंडिकेटर्स के, वहाँ पे हम ज़्यादा इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी जो है वो हमेशा मुझे कमेंट करके बोलता है कि जो मेजॉरिटी पीपल है वो कहते हैं कि हम सर जो यूज़ करते हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप जो है ट्रेड जो लेते हो वो मोबाइल में लिया करो, तो हम ज़्यादा चीज़ें समझेंगे। तो आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज का जो ये ट्रेड है डिसाइड किया है मोबाइल से लेने का। तो यहाँ पे मैं जो है अमाउंट है वो $1000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो टाइम है फिलहाल अभी डिसाइड नहीं किया है, बस देखेंगे टाइम कितना लेना है। तो ये जो ट्रेड है MACD की स्ट्रेटजी है, बिल्कुल यहाँ पर वर्कआउट नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर करेंसी के लिए। तो मैं करेंसी करता हूँ चेंज, यूरो CGF पे जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि नीचे जा सकता है मार्केट अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस, बट देखते हैं क्या होता है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, देख पा रहा हूँ आप स्टक हो गया है यहाँ पे आके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट जो है स्टक हो गया है। और गाइस यार, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लास्ट तक देखना वीडियो, मज़ा ज़रूर आने वाला है। और यार एक और चीज़ यार, कि यार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप वहाँ पे ज्वाइन होते हो। और यार इस ट्रेड के लिए ना एक थम ज़रूर आप कर देना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को अगर वीडियो देखोगे तो लास्ट तक। तो यहाँ पे देख रहे होगे मार्केट जो चेंज हुआ है, तो भैया यहाँ पे देखिए नीचे रेड कलर की लाइन मूवमेंट होना स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस करेंसी के बारे में। ये देखिए, एज आई सेड, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम जाएंगे करेंसी चेंज पे। आपको भी मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा दोस्तों यार, करेंसी तब तक आप चेंज करते रहो जब तक आप एग्जैक्टली फॉर श्योर गारंटेड नहीं हो जाते कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड को लेके। जब तक आप फॉर श्योर नहीं होते कि भैया अब मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेनी चाहिए, तब तक आप करेंसी चेंज करो। कोई आपको वहाँ पे देखने नहीं वाला, कोई आपको यह नहीं बोलेगा कि भैया इतना करेंसी तू क्यों चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप करेंसी चेंज कर, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको करनी चाहिए करेंसी चेंज जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते विथ प्रॉफिट रेशियो और विथ योर स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे देखिए, देख पा रहे होंगे आप MACD बिल्कुल दोनों लाइनें टचिंग में चल रहा है। अगर ये थोड़ा सा और जो लाइन है वो एक दूसरे को हिट करता है तो हम जो है वो ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ, यानी हम ग्रीन कलर पर टिक कर देंगे, टैब कर देंगे। और एज़ यू सेड, हमारी जो स्ट्रैटेजी है MACD की, उसका यही कहना है कि भैया अगर यहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस होती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो मार्केट कुछ टाइम तक उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में रेड कलर की लाइन ने क्रॉस किया है येलो कलर की लाइन को। एग्जैक्टली
ऐसा ही मैंने आपको बताया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने चेक किया होगा, नहीं किया तो यार चेक कर सकते हो। वीडियो आपका जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आप एग्जैक्टली ये जो स्ट्रैटेजी है इसको पूरा अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो अब देखते हैं क्या होता है। 10 सेकेंड्स हैं हमारे पास, 10 सेकेंड हैं, अभी तक नई कैंडल नहीं बनी है। और देखो यार अभी तक इसने एग्जैक्टली क्रॉस किया नहीं है, अभी भी देखो पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है और यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया और मैंने जो है $1000 की ट्रेड जो है वो कर दी है प्लेस। और डायरेक्शन है मेरी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, मैंने $1000 की ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। भैया अमाउंट जो है बहुत ही बड़ा है, अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो ये होता है 70,000 रुपये, यानी 70,000 रुपीज़। तो इसका प्रॉफिट रेशियो अगर देखा जाए तो 70% मुझे मिल रहा है। चाहता तो मैं जा सकता था 90% रेशियो के साथ, 92 के साथ, 84 के साथ, जहाँ पे मेरे को 100, 200, 150, $300 तक का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन पता नहीं अभी मैं गया हूँ वो इस करेंसी के साथ गया हूँ। देखते हैं हमारा जो स्टेप है वो करेक्ट है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो भैया ये तो जो मार्केट है अभी तो उल्टा ही हो गया है जैसा हमने डिसाइड किया था। तो यहाँ पर हमारी ये जो स्ट्रेटजी है वो होती जा रही है फेल। तो यार मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी वीडियो में कि अगर हमारी ये जो स्ट्रेटजी है वो फेल होती है किसी भी रीज़न से, तो उसका मतलब है कि मार्केट जो है वो एज अ लाइक जो हमारे हिसाब से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, प्रिडिक्टेबल नहीं है मार्केट। तो उस केस में आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी चाहिए, मतलब इस स्ट्रेटजी पर मत वर्क करो। अगर कोई करेंसी पेयर है जो कि क्रॉस करने के बाद भी एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो फिर आपको करेंसी पेयर जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे तो यार बहुत ही कम चांसेस हैं ये जो ट्रेड है वो जीतने के, फिर भी 37 सेकेंड्स हैं, विल वेट फॉर 37 सेकेंड्स, क्योंकि आखिरी सेकेंड तक वेट करेंगे, कुछ पता नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर $1000 जाते हैं हमारे तो फिर नेक्स्ट जो ट्रेड लेंगे वो भी हम $2000 के लेंगे। ओके, वो हम लेंगे $2000 के, इट विल बी वेरी बिग रिस्क बट इवन दो विल गो फॉर $2000। ओके, तो ये तो ऑलमोस्ट गॉन। अब जाते हैं न्यू करेंसी पे, हम जाते हैं न्यू करेंसी पे। तो अब GBP USD कैसा रहेगा, GBP USD तो ना यार, GBP USD में भी वो लाइक ग्राफ देखिए, ग्राफ ने कट तो किया है लेकिन सेम वही सिनेरियो मुझे लग रहा है जो, क्योंकि पीछे की तरफ देखेंगे हालात तो पीछे की तरफ हालात अच्छे नहीं है इस ग्राफ के। तो विल चेंज द ग्राफ, हम अब जाते हैं ऑड कैट पे। प्रॉफिट तो यार 90% दे रहा है ये, लेकिन अब इसको ग्राफ को देखोगे ज़िगज़ैग किस तरीके से चल रहा है, तो विल मूव फॉर द फर्दर प्रोसीजर, हम एक और प्रोसीजर पे जाएंगे, यानी हम और करेंसी चेंज करेंगे। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग, लाइक क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी एग्जैक्टली हमें अच्छी करेंसी नहीं मिल रही है जहाँ पे ट्रेड लेना सही रहे फिलहाल। और वी कैन से दिस स्ट्रेटजीज विल नॉट वर्क, MACD वाली वर्क नहीं करेगी फिलहाल। तो हम जाएंगे सिंथेटिक वाले पे, इस पे जाके देखते हैं इसका क्या है। चलिए ठीक है, माइट बी दिस विल वर्क। तो ये 20 की लाइन जो देख रहे हो ना, इसको क्रॉस प्रोबेबली, अगर क्रॉस करता भी है देखते हैं क्रॉस करता है नहीं करता, अगर क्रॉस करा भी तो फिर ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रहेगा वो, हमें जो प्रेडिक्ट करना है वो अगले 1-1.5 मिनट तक ही प्रेडिक्ट करना है। और यार मुझे जहाँ तक लग रहा है ना यार, 1 मिनट तक अगले मार्केट नीचे ही रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट $2000 करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट अब हमारी है $2000 और देखते हैं क्या होता है। मैंने जो ट्रेड है वो भैया प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमारा जो अमाउंट है दिस टाइम वो है $2000 और हमारा इस बार जो टाइम है वो है जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हमने जो है ट्रेड प्लेस की है। और देख पा रहे होंगे अभी तक तो हमारे अगेंस्ट ही था, अभी फिलहाल एग्जैक्टली नो लाइन पे आया था, मतलब नो रिस्क पे अभी हम चल रहे थे, बट अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे पास जो एक कैंडल है, फिलहाल की जो कैंडल है इसके 41 सेकेंड्स रिमेनिंग थे, हमें चाहिए 31 सेकेंड्स, देखते हैं क्या होता है।
कुछ कहा नहीं जा सकता, 24 seconds लेफ्ट। एंड देख, एक एक चीज़ देखिए आपने, आपको पता है मैं सब्सक्राइबर्स के अकाउंट से ट्रेड लेता हूँ, और बहुत ही छोटी छोटी अमाउंट्स की वहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, यानी जो जिसका अमाउंट, जितना पैसा जिसके अकाउंट में होता है उसके हिसाब से मनी मैनेजमेंट प्लान मुझे बनाना पड़ता है उसी टाइम पे, इंस्टेंटली उसी पे हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अपने अकाउंट से, जब मैं अपने अकाउंट से अगर ट्रेड ले रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे इतना डर या फियर नहीं लग रहा, क्योंकि आई डोंट केयर, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, ठीक है। लेकिन अगर किसी और के अकाउंट से ले रहे हैं ना ट्रेड, तो भैया फिर तो एकदम ही डर के रहना पड़ता है, और उस चीज़ में वर्कआउट नहीं हो पाती चीज़ें। इसीलिए मैं ज़्यादातर जो भी मुझे लोग कहते हैं, सर मेरा अकाउंट मैनेज कर दो, आप मुझे 50% दे देना, 50% आपको मैं दे दूंगा, समथिंग समथिंग, ऐसे ऑफर्स बहुत आते हैं मेरे पास, बट आई नेवर एग्रीड फॉर देम। ऐसे ऑफर्स के लिए मैं कभी एग्रीड नहीं होता, एग्री नहीं होता। रीज़न साफ रहता है, यही रहता है रीज़न मेरा कि मैं भैया आपका ये अकाउंट मैनेज करूँगा तो वो नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि मैं फ्रीली होके काम करता हूँ, मेरा जो नेचर है टूवर्ड्स दिस एप्लीकेशन, या मेरा जो एटीट्यूड रहता है टूवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, तो वो रहता है फ्रीली माइंड वर्क से काम करना, फ्रीली काम करना, ना कि टेंशन में या फिर उस तरीके से काम करने में कोई नहीं हो पाता मुझसे, एक्चुअली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो है यार 3600, है ना। तो हमने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया था? हमने 2000 इन्वेस्ट किया था, एंड 1000 वी गॉट लॉस, तो $600 का प्रॉफिट हमें हो गया जस्ट 5 to 10 minutes, आई थिंक। ओके, एंड इट्स लाइक 5 to 10 minutes, बट यार अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे रिस्क थे, इट्स माई ओन रिस्क, एंड आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप इतने बड़े बड़े ट्रेड्स लो, आई विल नेवर सजेस्ट, ठीक है। इट्स माई चॉइस, माई रिस्क। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जो लोगे ना ट्रेड, हमेशा अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ट्रेड ली है, ऑफकोर्स हम जीत के प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट हमने गेन किया, यानी $600, यानी $600 इंटू 7, 42,000 रुपीज़ अराउंड। बट अगर बात करते हैं यहाँ पे रिस्क की, तो रिस्क कितना ज़्यादा था अगर मैं वो $2000 की ट्रेड भी हार जाता, जो कि चांसेस 50-50 थे। बट एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि भाई ट्रेडिंग जो है इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस है। एक पार्ट में मैं अगर यहाँ पे हारता तो सारा जो है पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता, जहाँ पे अकाउंट में स्टार्टिंग में बैलेंस था 4000 समथिंग डॉलर्स, ठीक है। तो इसीलिए यार चीज़ों को ध्यान रखा करो आप, और सॉरी 4000 नहीं 5000 समथिंग था, ओके। तो बाकी उम्मीद करूंगा यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, शॉर्ट वीडियो एंड स्वीट वीडियो। तो भैया यार लाइक करके जाना वीडियो को, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। दूसरी यार ये चीज़, वीडियो को शेयर करो भैया, जितना शेयर आप कर सकते हो ना उतना शेयर करो। डेयरिंग पे डेयरिंग जो किया ना है उसकी वजह से एक शेयर तो कर दो, और कमेंट जरूर करना यार #TechnicalAbhi, और आगे जो आपका मन हो भैया लिख देना। चलिए गाइज, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार धन्यवाद फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।